तो जी शाम का समय हो रहा है चाय पानी का, चाय नाश्ते का। तो मेरे बच्चे जो है ना बाजार की नमकीन बिल्कुल नहीं खाते, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है बाजार की नमकीन। अगर उनको कोई नमकीन पसंद आती है बाजार वाली, वो है आलू भुजिया, बाकी वो कोई और नमकीन नहीं खाते, सिर्फ मेरे हाथ की बनी खाते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं ऐसे बनाती हूँ और ये फटाफट फिनिश हो जाती है। तो मेरे को भी अच्छा लगता है कि चलो फाइनली जो मैं घर पे बना रही हूँ बच्चे उसे खा रहे हैं। और मेरे बच्चों के अलावा मेरे पास इसके बहुत ऑर्डर्स भी आते हैं, मेरे कस्टमर्स को भी इसका बहुत बढ़िया लगता है स्वाद। तो आप भी अगर मेरे से नमकीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसका प्राइस 500 रुपीज किलो है। और जो शिपिंग होता है, मैं आपको बता दूं, शिपिंग में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली क्या है, मैं डिलीवरी ऐप से अपना सामान भेजती हूँ। डिलीवरी ऐप आप सर्च करके देख सकते हैं, इसको डाउनलोड करना पड़ता है पहले अपने फोन में, तब आप कहीं भी इंडिया के किसी भी कोने में रह रहे हो इससे आप अपना सामान कहीं भी भेज सकते हो, मंगवा सकते हो। तो डिलीवरी ऐप का क्या रूल है कि 500 ग्राम सामान से लेकर 2 किलो सामान तक अगर आप लेते हैं तो उसका शिपिंग इन्होंने फिक्स किया हुआ है, विच इज 270 रुपीज, 270 रुपए, ठीक है जी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसे 500 ग्राम सामान लेंगे तो भी शिपिंग 270 होगा, और 2 किलो लेंगे तो भी 270 होगा, 1 किलो लेंगे तो भी 270 होगा। इसलिए मैं कस्टमर्स को बोलती हूँ कि भाई आप 2 किलो ले लो, शिपिंग 270, मैं भी अगर पे करूंगी तो मेरे को भी दुख होगा। तो कस्टमर मान जाते हैं, सुन लेते हैं कि हाँ ठीक है हम करते हैं। बाय द वे, मैं बना रही हूँ आज यहाँ पर चाय का मसाला, मतलब चाय मसाला मैंने बनाया है और चाय बना रही हूँ मैं अभी। तो मेरा चाय मसाला खत्म हो गया था, तो जैसे कि मानसून में स्पेशली चाय पीने की क्रेविंग्स होती है, तो ये चाय मसाला डालकर आप चाय बनाना, ट्रस्ट मी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और स्वाद तो चाय का इतना शानदार आएगा कि आप हमेशा से बनाकर रखेंगे। तो ये जो चाय मसाला है मेरे बिजनेस में इंक्लूड है, ये बहुत मतलब डिमांड में रहता है। इसका प्राइस मैं लेती हूँ 500 रुपए 250 ग्राम के, क्योंकि इसमें सारे ऐसे मसाले जाते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है। तो बहुत लोग मुझसे ऑर्डर करते हैं, जिन्होंने भी ऑर्डर किया है आज तक, नाउ दे आर माई परमानेंट कस्टमर्स। तो जिन्हें नहीं लेना मुझसे कोई बात नहीं, मैं इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप उसे देखकर बनाना, बहुत स्वादिष्ट बनता है ये, ठीक है जी। तो कोई भी चीज मैंने हाइड नहीं करी है कि मैंने कुछ छुपाया है, आप बनाओगे तब आपको उसका स्वाद समझ में आएगा। उसी चाय मसाला से मैं चाय बना रही हूँ अपने लिए, सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर दूं। एक बार बनाकर साल भर तक आप इसे किचन में ही रख सकते हैं अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो। इसको ऐसे नहीं करना जो मैं प्रोसेस बताऊंगी कि आपने सेकंडों में कर लिया, नहीं, जो टाइम मैं आपको बताऊंगी, जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, उस ट्रिक से आप इसे बनाना, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चाय मसाला बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए, कुछ भी अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कमेंट शेयर करते हैं कर सकते हैं। उससे मुझे बस ये लगता है जब आप लाइक कमेंट शेयर करते हैं कि हाँ मेरे ऑडियंस को या मेरे व्यूअर्स को या मेरी फेसबुक फैमिली को या मेरे यूट्यूब फैमिली को मेरा चाय मसाला पसंद आया, तो मुझे अच्छा लगता है जो भी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। तो ये यहाँ पर ना मैंने एक पूरा टब भर के नमकीन बनाई है, देखो कितनी सारी, अपने बच्चों के लिए है ना, और ऑर्डर्स भी है मेरे। इसमें मैंने सिर्फ इसको रखा हुआ है क्योंकि इतने बड़े बर्तन घर में नहीं होते। चाय मेरी बन चुकी है, गैस की मैं बंद कर देती हूँ। चाय छानूंगे भी, बच्चे खुश हो जाएंगे, भी पार गए हैं बच्चे, मम्मा ने नमकीन बना दिया फिर से। तो आप भी अपने घर में बनाना, बहुत स्वादिष्ट। तो चाय का मसाला आते ही सबसे पहला नाम जो हमारी जुबान पे आता है वो होता है ये इलायची। तो इलायची कितने लेंगे हम, ये ले लेंगे हम 20 ग्राम, ठीक है। नाप के लेना, आपने देखा होगा चाय वाले जो भैया होते हैं जो मसाला सेल करते हैं, वो छोटी छोटी कांच की गिलास से रखते हैं, वो नाप के रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने लिया हरी इलायची 20 ग्राम, फिर हम लेंगे काली मिर्ची 10 ग्राम, ठीक है जी। ये 10 ग्राम काली मिर्च आपको लेनी है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है, नाप के ही लेना। उसके बाद नेक्स्ट मसाला है लौंग 5 ग्राम। अगर आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है इसका तो इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज 5 ग्राम एकदम परफेक्ट है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप नहीं पी सकते, अच्छा नहीं लगता। फिर नेक्स्ट आगे जी दालचीनी कितने ग्राम, 10 ग्राम, ठीक है। 20 ग्राम हरी इलायची, 10 ग्राम काली मिर्ची, 5 ग्राम लौंग परफेक्ट है, 10 ग्राम दालचीनी, और इसमें जाएगी थी जी 2 टेबलस्पून सौंफ। हाँ जी, आपको अजीब लग रहा होगा बट ये चाय के मसाला में जाती है, 2 टेबलस्पून भर के सौंफ डालिएगा, 10 ग्राम के करीब आप ले सकते हैं, ठीक है जी। और अब इसमें जाएगा ये जायफल, देखो छिलके वाला जायफल है, ये मैं अंडमान से लाई थी, बागान में गई थी, जो इसके बाग होते हैं वहां पर, वहां से लिया था मैंने। इसके आउटर लेयर है, इसको तोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको डालेंगे। तो एक जायफल है ये, इसमें रख देंगे, ठीक है जी। फिलहाल मैं आपको मसाले दिखा रही हूँ, और ये है जिसमें 4 बड़ी इलायची, ठीक है। अभी जो इलायची है ये ऐसे साबुत नहीं डालनी है, इनके दाने होते हैं, दाने इस्तेमाल करने हैं, तो इनके दाने निकाल लेंगे हम इस तरीके से। और ये ना खराब भी होती है, कई बार इनमें कीड़े होते हैं, तो देख के लीजिएगा, देखो ऐसे दाने होते हैं इनके, ठीक है जी। और इतना अच्छा इसकी खुशबू होती है ना, मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा कैमरा, हाँ ये देखिए मोती जैसे दाने होते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो सिर्फ ये दाने ही इस्तेमाल करने हैं, ये आउटर जो लेयर है ये इस्तेमाल नहीं करनी है, ठीक है जी। इसमें कीड़े होते हैं कई बार, ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे दाने भी इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐसे दाने इलायची से निकल रहे हैं तो एकदम परफेक्ट है, डाल दीजिए। अगर थोड़ा खराब से निकल रहा है तो वो नहीं डालना है, पूरी चाय का टेस्ट खराब हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें, और आप अगर चाहते हैं तो इसमें और एनहांस करने के लिए स्टार अनाइस जो होता है, चक्रफूल जिसे कहते हैं, वो ऐड कर सकते हैं। आप कभी भी ट्रायल के लिए गर्म पानी कीजिए, उसमें एक स्टार फूल डालिए और आप देखेंगे कि पानी का कलर चेंज हो जाएगा, उससे फ्लेवर अरोमा चाय का बहुत अच्छा आता है, बहुत ही शानदार चाय बनती है। तो अभी हम इन सारे मसालों को जो है गैस के ऊपर रख के स्लो फ्लेम पर भूनेंगे, ठीक है जी। तो ये जितने भी मसाले मैंने बताए हैं, इन सारे मसालों को आप एक पैन में डालिए, और जो नटमैग है यानी कि जायफल है, इसे टुकड़ों में तोड़कर डालिए। उससे ये होगा कि आपकी मिक्सी के ऊपर लोड नहीं आएगा। और जो दालचीनी है वो भी थोड़ा तोड़कर डालिए, आप चाहे तो हल्की चोट हरी इलायची में भी मार सकते हैं, बट कोई बात नहीं, जब हम इन्हें सेकेंगे ना तो ये क्रिस्पी से हो जाएंगे और फटाफट मिक्सी में पीस जाएंगे, ठीक है जी। तो मैंने सारी चीजों में यहाँ पर जो मोटी मोटी थी चोट मार ली है ताकि मिक्सी पे लोड ना पड़े। अब हम फ्लेम को रखेंगे स्लो, और स्लो फ्लेम पर हम इन्हें लगातार चलाते हुए सिर्फ 3 मिनट भूनेंगे।
सिर्फ 3 मिनट आप घड़ी में समय देखकर भूनिएगा। इनकी भुनाई के ऊपर डिपेंड करता है इनका स्वाद। थोड़ा ज्यादा भुन गया तो चाय का टेस्ट कड़वाएगा और थोड़ा कम भुना तो चाय में स्वाद आएगा ही नहीं। अभी जो मसाले हैं जब ये भुनेंगे इनकी सिकाई होगी तो इनमें नेचुरल ऑयल होता है वो रिलीज होगा, प्लस चाय के मसाले की सेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी, इसलिए इनकी भुनाई बहुत जरूरी होती है। अब जब ये चाय का मसाला अच्छे से भुन जाए तब आप इसमें डालो 3 टेबलस्पून भर के ड्राई जिंजर पाउडर, या फिर आप सौंठ भी डाल सकते हैं, सूखा जो अदरक होता है ना बाजार में वो डाल सकते हैं, लेकिन उसको भी पीसने में दिक्कत आती है, तो आप क्या कर सकते हैं ड्राई जिंजर पाउडर डाल सकते हैं 3 टेबलस्पून, लेकिन वो आपको तब डालना है जब सारे मसाले भुन जाए। थोड़ा सा डाल के घुमा दीजिएगा भुने मसालों में, उसी की गर्माहट में सिक जाएगा। फिर एक ग्राइंडिंग जार में डालिए, मेरे पास ये वाला ग्राइंडिंग जार है जो बहुत अच्छा काम करता है, मैंने इसे इसमें डाला और सिर्फ 30 सेकंड में मोटे मोटे मसाले भी इसने फाइन पाउडर बना दिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी किचन में, बहुत बढ़िया, हस्बैंड की पूजा पाठ चल रही थी, तब तक तो मैंने चाय का मसाला आटा गूंथ के सारे काम साइड में कर दिए थे। अब मैं आपको चाय बनाकर दिखाऊंगी इससे कि कितनी स्वाद चाय बनती है। सिर में दर्द हो आपके या अलग सी चाय पीने का मन हो, या टपरी वाली चाय पीनी हो या शादियों वाली चाय, तब ऐसे ही बनाना आप ये मसाला। तो आधा कप पानी चढ़ाया मैंने, 2 कप ही चाय बनेगा, उसमें चाय की पत्ती चीनी डाली स्वाद के हिसाब से, अदरक कूट कर डालिएगा कद्दूकस करके नहीं। और जब चाय में अच्छे से खदका लग जाए तब आप दूध डालें, जितना पानी से थोड़ा सा ज्यादा दूध, और बस आधा छोटा चम्मच इसमें चाय का मसाला डालिए। ठंड अगर थोड़ी ज्यादा है तो 1-2 चुटकी ज्यादा डाला जा सकता है, जैसे मेरे यहाँ मौसम अभी ठीक ठीक है तो मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1/4 टीस्पून मसाला, और डालकर अच्छे से मैंने चाय को खोलाया बहुत अच्छे से, चाय थोड़ी थोड़ी थिक हो जाएगी और जो मसाले की खुशबू है, गाइड मसाले की खुशबू जो है, खुशबू वो बहुत दूर तक जा रही है। भाई मतलब हस्बैंड बाहर से बोल रहे हैं, उनकी पूजा पाठ हो चुकी थी कि भाई क्या बना रही हो, इतनी शानदार खुशबू आई है। मैंने कभी आपने कहा था कि मसाला चाय बनाना, तो पहले मसाला बनाया फिर चाय बनाई, तो देखिए फटाफट मेरी चाय भी बनकर तैयार है, आटे ने रेस्ट भी कर लिया, मैं उनके परांठे भी कर दूंगी। और भाई मैं आपको क्या बताऊं, ये मसाला चाय का जो मेरा बहुत अच्छा सेल होता है, कस्टमर के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं, अब ये सीक्रेट चाय मसाला आप अपने घर में डाल सकते हैं। अब इस चाय मसाला में एक और सीक्रेट है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए जब हम ये चाय का मसाला भूनते हैं तब इसमें सूखी हुई तुलसी जी के पत्ते आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में ना तुलसी जी के पत्तों वाली चाय कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मैंने नहीं डाला। और हम ना अपने चाय के मसाले में तुलसी जी के पत्ते ऐड भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो किसी को पसंद आते हैं किसी को नहीं। और मेरे पास कई बार फोन भी आ जाते हैं स्पेशली चाय के मसाले के लिए, कस्टमाइज करवा लेते हैं लोग कि हमें लौंग कम चाहिए, इलायची ज्यादा चाहिए, तो हम वो भी कर देते हैं, एज पर कस्टमर चॉइस हम बना देते हैं। तो फ्रेंड्स चाय तो बहुत शानदार बनी है। ये मसाले वाली चाय पीना किचन में धुआं इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने हस्बैंड के लिए शुद्ध घी के पराठे बनाए हैं, हमारे यहाँ घी में ही पराठे बनते हैं, बच्चों का दूध गर्म कर रही हूँ मैं भी, ठीक है जी। और चाय मैंने हस्बैंड को दे दी है, चाय और पराठे वो खा रहे हैं मंगलवार के व्रत के दिन। और भैया चाय का मसाला, अब ये जो मसाला है ना देखिए बन गया, इसको ठंडा करके ना किसी भी एयरटाइट डब्बे में भर के कहीं पे भी रखो आप, ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। लुक एट द मसाला, इसका अरोमा इतना शानदार आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ठीक है जी। तो आप ये मसाला अपने घर में ट्राई करना, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको चाय मसाले का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो मेरे कहने से एक बार एक चाय मसाला घर में बनाना और चाय पीना, और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि नेहा मजा आ गया, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।